So, moving on to our next topic, that is grid. Okay, so हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमारे पास latitude and longitude होते हैं, जिसके through हम क्या कर सकते हैं? Location का पता लगा सकते हैं. लेकिन तब से हम कहे जा रहे हैं कि हम पता लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं. तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे. तो देखिए, latitude जो होते हैं वो parallel lines होती है और इक्वेटर के पैरेलल होते हैं. सो लैटिट्यूड इस तरीके के होते हैं, लेटरल लाइंस होती है, यानी कि लेटी हुई लाइंस होती है. और हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कैसे होते हैं? लॉन्ग लाइंस होते हैं. अब इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो एक ग्रिड का फॉर्मेशन होता है, एक इस तरीके के ग्रिड का फॉर्मेशन होता है. अब इसी ग्रिड के सहारे हम समझेंगे कि हम कैसे किसी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो Let's look at the grid of the parallel of latitude and meridian of longitude on the globe. यहाँ पे आपको एक grid system दिख रहा है, grid दिख रहा है longitude and latitude का. We can locate any point on the globe very easily if we know its latitude and longitude. So यहाँ पे ये क्या नई कोशिश की जा रही है कि हम अपने globe पे क्या कर सकते हैं, किसी भी location को बहुत easily find out कर सकते हैं अगर हमें उस लोकेशन की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है. लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर इंस्टेंस मुझे चाहिए 0 0, ठीक है, 0 लैटिट्यूड एंड 0 लॉन्गिट्यूड. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे इस ग्लोब में देखते हैं, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये 0 degree का हमारे पास इक्वेटर है. और फिर हम क्या करेंगे, हम अपना 0 degree का प्राइम मेरिडियन पता करेंगे कि कहाँ पे 0 degree का प्राइम मेरिडियन है. तो यहाँ पे ये 0 degree का आपको प्राइम मेरिडियन भी दिख रहा है और इक्वेटर भी दिख रहा है. सिमिलरली, क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप, एक छोटा मॉडल है, क्योंकि अगर हम कुछ और ग्लोब लेंगे, हम ग्लोब का पूरा पिक्चर लेंगे तो इट विल बी वेरी मेस्ड अप. तो इसको हम एक 2D सरफेस पे देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में एक प्लेस है जिसका नाम है धुबरी, जो कि असम में है. वो 26 degree नॉर्थ लैटिट्यूड में और 90 degree ईस्ट लॉन्जिट्यूड में है. उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. ये रहा हमारा इंडिया का मैप. सो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि धुबरी कहाँ पे है? तो ये याद रखना, 26 degree नॉर्थ एंड 90 degree ईस्ट याद रखते. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटरल रेखाएं जो है, जो हमारी लेटी हुई रेखाएं हैं, उनमें से 26 degree को देखेंगे. यहाँ पे आप देखोगे 6 degree एन से स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे आ गई है 37 degree एन तक जा रहा है. ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इस 6 degree से स्टार्ट करेंगे और 26 का पता लगाएंगे. ये रहा हमारा 26 degree एन. अब हमें क्या करना है, 90 degree ईस्ट. तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो जितनी भी लाइंस है वो सब ईस्टर्न को ही रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ से देखिए 70 degree ईस्ट, 74, 78, 82, 86 एंड 90. अभी ये वाली लाइन को मैं रेड से कर दिया और इस वाली लाइन को भी मैं रेड से कर दिया. तो आपका जो धुबरी है वो यहाँ पे है, जहां पे ये दोनों पॉइंट को मैंने दिखाया, जो ये पॉइंट है यहीं पे आपका धुबरी आएगा. आप कहीं भी किसी भी लोकेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो इंडिया के मैप पे, इवन वर्ल्ड के मैप पे भी बड़े आसानी से यूजिंग दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हो. दिल्ली को अगर आपको देखना है तो दिल्ली के लिए आपको 74 और 78 के बीच में 76 आएगा एंड यहाँ पे आपको देखना 28 degree नॉर्थ, 28 degree नॉर्थ और 76 degree क्या है ईस्ट, आपका दिल्ली का लोकेशन हो जाएगा. आप अगर कहोगे, आप एक गेम भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, कह सकते हो ठीक है तो बताओ मुझे 28 degree नॉर्थ एंड 76 degree ईस्ट में कौन सा प्लेस है. इस तरीके से आप अपना मैप पढ़ना, आप अपना ग्लोब पे लोकेशन फाइंड आउट करना सीख सकते हो और समझ भी सकते हो. तो ये काफी आसान सा था. जब तक हमें क्या नहीं पता है, जब तक हमें लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं और लैटिट्यूड नहीं पता, तब तक हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है. लेकिन एक बार अगर हम सीख गए लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स, तो फिर किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करना है इस चुटकियों का खेल है ना. सो इट वॉज ऑल अबाउट कि कैसे हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है. लेकिन अभी चैप्टर बाकी है मेरे दोस्त, अभी हमें पता करना है टाइम को भी, कि लॉन्जिट्यूड और टाइम में क्या
रिलेशन है, तो उसको पता करने के लिए क्या करना है, आपको चलना है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।